गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ऑफ प्लस टू कॉमर्स। आज आप टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टाफिंग चैप्टर द मेथड्स या टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हर इंप्लॉई लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी हर पर्सन की जॉब अलग अलग तरह की होंगी है, तो ट्रेनिंग का लैवल भी जोड़ा है, ट्रेनिंग की टाइप भी जोड़ी है वो डिफरेंट होएगी डिफरेंट डिफरेंट इंप्लॉयज़ लिए, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट है तो ट्रेनिंग भी डिफरेंट ही होएगी। ट्रेनिंग के दो मैथड्स ने मेनली, एक हैगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक हैगा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहला आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब समझते हैं, एक कॉमनली यूज होने वाला मैथड है, इनू काफ़ी इफेक्टिव मैथड मनिया जाता है, क्योंकि इस मैथड से वर्कर नू जो काम उन्हें परफॉर्म करना है और जिथे परफॉर्म करना है वो अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उन्होंने सेम टाइप कंडीशन प्रोवाइड की जाती हैं, जिदा की कंडीशन से उन्हें अगे चल के काम करना है, तो उस तरह मशीन्स प्रोवाइड की जाए जिन्हें मशीन से उन्हें अगे चल के परफॉर्म करना है। तो मतलब सेम टाइप ऑफ कंडीशन होगी जिड़ी कि क्रिएट की जाती है, सेम उदा की जिदा की वर्किंग कंडीशन से अगे वर्कर ने परफॉर्म करना है। कहें ये वर्कर न एक सुपीरियर एड किया जाता है, जोड़ा उन्हों देखेगा, सुपरवाइज करेगा, तो जो कमियां होंगे वोदियाँ उन्होंने दूर करेगा और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि वो मशीनस ने उन्हें किमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि वह सेम वर्किंग कंडीशन से काम करना सीखता है, तो इस मैथड के आसान हो जाता है जो उन्हें एक्चुअल अपनी जॉब परफॉर्म करनी होंगी है। पर कहें इस मैथड की जी सक्सैस है वो डिपेंड करती है ट्रेनर उपर, जिन्ना वधिया ट्रेनर होएगा उन्नी ही वधिया इंप्लॉय की ट्रेनिंग होएगी और उन्ना ही वधिया अपने काम को सीख पाएगा। नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे कुछ मैथड्स है जिमें कि लैक्चरस, कॉन्फ्रेंस, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जड़िया ने एक गवर्नमेंट या पब्लिक एंटरप्राइज वालों यूज़ की जाए या स्कूल या इंस्टीट्यूशन, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हूँ मैं तुम्हें होर डिटेल से समझानी हाँ, जिमें कि आप स्पेशल कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं अलग अलग इंप्लॉयज़ लिए, ताकि उस कोर्स राही आप उन्होंने नॉलेज में होर एनहेंस कर सकी, उन्होंने काम के रिगार्डिंग उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकी, या फिर लैक्चर्स के थ्रू आप उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू कोशिश करते हैं। सो ये मैथड सारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से आते हैं, पर यह मैथड ओनली उ एंटरप्राइज एफोर्ड कर सकती जो बिग एंटरप्राइज है जिन्हों को काफ़ी सारे बजट्स अवेलेबल है, और ये मैथड थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है और मैनेजरियल जॉब्स लिए ये वाला मैथड सुइटेबल है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप हूँ डिस्कस करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे फर्दर कुछ मैथड्स ने। सब तो पहला हैगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से की होंदा है, वर्कर नू उदे एक एक्सपीरियंस सुपीरियर बंदे नाल, सीनियर बंदे नाल अटैच करता जाता है। हुण वो वर्कर जड़ा है अपने सुपीरियर नाल सीनियर नाल काम करता रहेगा, उन्हों ओबजर्व करता रहेगा और उन्होंने कामों से हेल्प करता रहेगा, तो ये ओबजर्व करते करते और हेल्प करते करते उन्होंने ट्रेनिंग मिल जाती है, तो जिदे नाल वो काम सीख लैंदा है। पर ये जड़ा मैथड है यदि जड़ी ड्यूरेशन है वो 2 to 5 years लोंग ड्यूरेशन होंदी है, और जब तक परसन ट्रेनिंग लै रहा है उदों तक उन्होंने नॉमिनल जिया वेजिस पे कितिया जांदियां ने। और ये मैथड सुइटेबल हैगा अगर आप कोई मकैनिकल वाला काम सीखना है, इलैक्ट्रीशियन का काम सीखना है या पलंबर का काम सीखना है, तो उन्होंने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथड। नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन मैथड। जॉब रोटेशन मैथड से की होंगे कि एको ही परसन नू पहला एक जॉब तो दूसरी जॉब पर शिफ्ट करता जाता है, या फिर एक डिपार्टमेंट चो दूसरे डिपार्टमेंट से सिस्टमैटिक वे नाल शिफ्ट करता जाता है। ये की होंगे कि उन्हों ट्रेनिंग मिलती रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स नू या वेरियस जॉब्स नू किवें परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज़ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप स्टूडेंट्स लिए होंगी है बेटा, स्टूडेंट्स जदों अपनी स्टडी कर रहे होंगे ने तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जितों अपनी स्टडी कर रहे होंगे ने वो अपने स्टूडेंट्स नू कंपनीज से भेजते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज नू हुण प्रैक्टिकली कंपनी दे विच यूज़ कर सकन, ते टेक्निक सीख सकन कि आप अपने काम नू की प्रैक्टिकली किवें परफॉर्म करना है। जिवें कि मेडिकल कॉलेज दे स्टूडेंट्स नू हॉस्पिटल से भेजा जाता है इंटर्नशिप लई, ताकि वह प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकन। देन है कोचिंग। कोचिंग मैथड से सुपीरियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोचिंग से सुपीरियर का काम होंदा है इंस्ट्रक्शंस देना अपने सुबॉर्डीनेट्स नू, उन्हां नू गाइडेंस प्रोवाइड करना,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਔਨ ਦਾ ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫੋਰ ਟੂਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੋਪਿਕ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।